गाइस हमारा टारगेट था 300 350 शापर था, अभी हमने 400 शापर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर लिए हैं। हेलो तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम आयशा है और आप देख रहे हैं देसी अब। अल्लाह ताला के फजल और करम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज जैन भाई भी गुजरांवाला चले गए हैं, पहले तो मैंने उनको छोड़ने जाना था, अभी हमजा भाई गए हैं, वो अभी 15 ले गए हैं। उन्होंने कहा आपको नहीं देना 15, आप गिरा दोगे, कोई आपसे छीन लेगा, गजब बेइज्जती है। और गाइस अभी आप इंट्रो देखिए। गाइस अगर आपने पीछे वाली वीडियो मेरी देखी हो, पहले वाली, आज जो मैंने कल पोस्ट की थी, तो आपको पता होगा मेरा जूता टूट गया था। अब मैं जूता सिलाई करवाने जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं मस्जिद के अंदर हूँ, हमारी मस्जिद है, बहुत ज़्यादा नीचे से गर्म हुई है फर्श का, और आप देख सकते हैं ये कुछ लड़के हमारे मोहल्ले के, ये साफ़ कर रहे हैं मस्जिद। मैं भी आया, मैंने शोर सुना, अभी मैं भी साफ़ करता हूँ और आपको भी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मस्जिद सारी साफ हो गई है, अभी इनडोर हम निकाल लिया, आउटडोर भी कर रहे हैं, बच्चे पानी लेके जा रहे हैं। अभी हम शाम को तुबारक, मतलब के महफिल है उसकी, तुबारक भी आपको पैकिंग करते हुए दिखाएंगे और आपको महफिल भी दिखाएंगे। अभी गाइज हमने मस्जिद वगैरह साफ कर ली है और अभी सब बच्चों ने किए देखें, वो भी जा रहे हैं, इस तरफ भी जा रहे हैं। अभी हम असर के बाद, मतलब कि नहा के महफिल के लिए तैयार होकर, असर के बाद हमें सफ़ेद वगैरह बिछानी है और साउंड सिस्टम वगैरह आएगा, तो बरक भी इंशाल्लाह हमने भी भरना है और आपको महफिल के हालात भी दिखाएंगे। क्योंकि जैसे कि आपने देखा हमने मस्जिद वगैरह साफ़ की थी, एक लड़के ने मुझ पर पानी भी डाल दिया काफ़ी ज़्यादा, मेरे कपड़े सारे गीले हो गए थे नीचे से। अभी ये मेरे पॉकेट में 10 रुपये थे, क्योंकि सिर्फ 10 रुपये थे, वो भी गीले हो चुके हैं। अभी इसको किसी तरीके से सुखाते हैं। आज देखो फिर मिट्टी से घेर रहा है, फिर गंदे काम कर रहे हैं। ओए क्या कर रहे हो, क्यों क्या लेना है, ले लो क्या लेना है, ले लो क्या लेना है, पकड़ो पकड़ो जो चीज़ पकड़नी है पकड़ लो, 10 रुपये से ज़्यादा ना पकड़ना, और चीज़ मेरे पास पैसे नहीं है, बस ओढ़ के लेना, और भी ले लो जो कुछ लेना है, बस चलो चलो बड़े घर भाग दो। सुबह का ना मैंने कुछ भी नहीं था खाया, कुछ भी। अभी मैंने ना नाश्ते के तौर पर, नाश्ता तो नहीं है लेकिन अभी 5 बज गए हैं, असर की अज़ान हो गई है, अभी मैं चाय के साथ रस खाने लगा थोड़े से। और आप सोच रहे हैं कि टोपी कहाँ से है, ये मजे से ले आया हूँ, अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ने जाऊँगा और इंशाल्लाह वापस रखूँगा। खाते हैं, देखिएगा आधी पहले मैंने चाय पी ली थी, मैंने सोचा अभी साथ रस खा लेते हैं और वीडियो शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। गाइस अभी हम असर की नमाज़ पढ़ के आके, हाल क्या हुआ, मैं अभी सफ़े वगैरह, मतलब सारे मिलके सफ़े वगैरह बिछाए हैं, ये हमारे छोटे हाफ साहब हैं और इन सब ने मिलकर हमने सफ़े वगैरह बिछाई हैं हाफ जी, एक साहब कहते हैं हसना मत दुकान में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, देखना अभी अब आपको दिखाते हैं, ये हमारे हाफ साहब चल फिर रहे हैं और देखिएगा आप कितनी ज़्यादा हमने सफ़े वगैरह बिछा दी हैं, और वो कुछ ऊपर इलेक्ट्रिशियन चढ़े हुए हैं जो कि मस्जिद में वगैरह बल्ब वगैरह लगा रहे हैं, वैसे तो इतनी ज़्यादा बिल्कुल इन्होंने काम नहीं पता, अभी इन्होंने साथ लटका होना है। और अभी हम मतलब के बाहर आ चुके हैं और अभी मतलब के नहाने जाते हैं, नहा के कपड़े वगैरह लगाते हैं, खुशबू वगैरह लगाते हैं और फिर महफिल के लिए आएंगे, अभी वो तैयारी वगैरह हो रही है काफ़ी, और उसके बाद हमने इंशाल्लाह हमने ही तबरक पैक करना है जैसे कि आपको पहले भी बताया। गाइस अभी हमारी लाइट बहुत ज़्यादा डिम थी जिसकी वजह से कुछ नहीं जा रहा था, पंखा तक नहीं चल रहा था, तो मोटर कैसे चलेगी, इसलिए मैंने सोचा ये जो नलका है हमारा जिंदाबाद है, देखिएगा कितना पानी आता है। अभी मैं नहाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये क्या है, बस मैं नहा लिया और कपड़े वगैरह भी पहन लिए हैं, अभी मैं छत पे मस्जिद की जाता हूँ और देखता हूँ वो क्या कर रहे हैं ऊपर। भाई जब देखते थे मैं ऊपर आते आते ना मेरा जूता उतर गया और मुझे देख चोट लग गई है, अब मैंने जूता मैंने वहाँ फेंक दिया, मैंने जिसे मंगवाया
और ऊपर से आप देख सकते हैं फुल गांव का व्यू मिलता है, बहुत अच्छा। मैं भी ये भी ये इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन हो क्योंकि आपके जैसे पहले दिखाया ये पूरे गांव का अच्छा व्यू मिलता है। आप देख सकते हैं स्पीकर है, आपको दिखाते हैं बल्ब कहाँ पे लगाया। देख सकते हैं ये तारा ही है और ये मशाल बल्ब लगाया एलईडी। आप देख सकते हैं नीचे देख सकते हैं बच्चे तैयारी के लिए बैठे हुए हैं, हाफ साहब बैठे हुए हैं हमारे, और ये बल्ब लगाया इंशाल्लाह अच्छी रोशनी होगी। मेरे ख्याल से तो मस्जिद काफ़ी बड़ी है, ये बल्ब इतना ज़्यादा काम तो नहीं देगा, वहाँ भी कोशिश करेंगे एक बल्ब लगाने की। ये ऊपर बल्ब है, ये नीचे इसकी वायर आई है, ये जो वायर है ना ये वाली ये जाएगी इस स्विच में, ये जो साकड़ लगी हुई है ये जो स्विच है इसके अंदर जाएगी। और अभी हमने ये वाली जो सीढ़ी थी हमने लगाई हुई थी जो ऊपर चढ़ने के लिए काम वगैरह करने के लिए, वो ना वो मैंने उठा रहा था तो ये देखिए ये थोड़े कपड़े गंदे हो गए मेरे, जंग लग गया, पता नहीं उतरेगा कि नहीं, अभी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब देख सकते हैं ये भी साउंड सिस्टम का सामान आ चुका है, अभी आपको दिखाता हूँ ये कितना भरा है। देखिए कितने कितने भरे भरे हैं, और ये साथ ये हमारे भाई का, ये हमारे गांव के भाई हैं। अगर आपको नेट चाहिए इसका आपका हम आपको नंबर फ़ोन नंबर भी बता देंगे, अगर आपने जहाँ भी ऑल ओवर पाकिस्तान में ये लेके जाते हैं अपने साउंड सिस्टम। देख सकते हैं ये भजन कुछ सेटिंग मेटिंग कर रहे हैं, ये कुछ सिस्टम है, और वहाँ पर एक स्पीकर लगेगा बुफर और उस तरफ लगेगा, ये दो बुफर लगेंगे। आप देख सकते हैं ये वायर्स वगैरह कुछ अभी भाई जान लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हम छापर लग के ही जा रहे हैं, और वो दो भाई हैं एक एक छापर खोल जा रहा है और एक डाली जा रहे हैं छापर में, ये काफी ज्यादा छापर भर चुके हैं। ये हमारे टटला भाई भी बैठे हुए हैं, अभी सारे भरते हैं और आपको पता है कैमरा बंद कर दे। वैसे हमारा टारगेट था 300-350 छापर था, अभी हमने 400 छापर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर लिए हैं, और उसके बाद ये सब खा रहे हैं, थोड़ा सा त्वरक बच गया, छापर भी खत्म हो गए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं जिनके इंतज़ार था हमारे कारी साहब वो अभी आ चुके हैं, ये भी कलाम वगैरह कुछ करेंगे और आपको हम ज़रूर आगाह करेंगे। अब देखिएगा महफिल खत्म हो चुकी है और मैं मस्जिद की कैब ले आया, अभी मस्जिद में कैब रख के आते हैं वापस और आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा टोपियाँ वगैरह पड़ी होती हैं, अब देख सकते हैं। अभी मैं अपना टॉपिक लेके जा रहा हूँ, बहुत भारी है, मैं घर लेके जाता हूँ, इस पर तुरंत बर्फ वगैरह जो सर्व होना था इस पर होना था, अभी ये घर लेके जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इजाफी बच गया है, वो अभी सुबह जो बच्चे पढ़ने आते हैं सपारा नाजरा उनको दे देंगे। ये तो गाइस जब मैं घर आया था तो देखा कुछ मैक्रोनीज वगैरह बनी हुई थी, अब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा कुछ शोर की वजह से, मैं खाता हूँ और फिर वीडियो की एंडिंग करते हैं। गाइस इसी के साथ वीडियो करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी एंटरटेन हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते, 90% लोग दोबारा ऐसे हैं कि जो सब्सक्राइब नहीं करते, और नॉन सब्सक्राइबर
अरे कहना क्या चाहते हो? सब्सक्राइब नहीं करते और वैसे वीडियो देखे चले जाते हैं। आपको चाहिए कि आप सब्सक्राइब कीजिए।